गाइज अभी के टाइम पे हमारे फ्री फायर गेम के अंदर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है जो कि है लोडिंग प्रॉब्लम। जैसे कि अगर आप लोग बी आर रैंक या फिर सी एस रैंक गेम स्टार्ट करते हो तो भाई वो जो गेम है वो ऑटोमेटिक बैक हो जाता है और आपका जो भी रैंक है उसको माइनस भी कर दिया जाता है। अब देखो आप लोगों को पता होगा बी आर रैंक के अंदर न्यू सीजन आया है और गाइज काफी सारे बंदे रैंक पुश भी कर रहे होंगे मुझे पता है, लेकिन उनका रैंक माइनस हो जा रहा है तो वो रैंक पुश कैसे करेंगे जबकि यार हमारा मैच स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो काफी सारे बंदे इसे लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लो क्योंकि यार इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं। अगर आप लोगों के फोन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है या फिर 99 पे जाके रुक जा रहा है, लोडिंग नहीं हो रहा है, आप लोग मैच के अंदर नहीं जा पा रहे हो, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एकदम से मस्त वाला ट्रिक बताने वाला हूं। आप लोग अपने फोन का डाटा वगैरह क्लियर करने की कोई जरूरत नहीं है। काफी सारे बंदे अपने फ्री फायर का डाटा क्लियर कर दे रहे हैं, कुछ लोग फ्री फायर को अनइंस्टॉल कर दे रहे हैं, दोबारा से इंस्टॉल कर रहे हैं, तो भाई उतने में तो यार आपका एमबी भी चला जाएगा और कोई फायदा भी नहीं होगा। मेरे दोस्त ने ऐसा किया था भाई, उसका सिर्फ एमबी वेस्ट हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे कि देखो ये जो प्रॉब्लम है आज से नहीं कल रात से ही हो रहा है और गाइस मेरे एक फ्रेंड को भी हो रहा था, ठीक है। वैसे तो मुझे अभी नहीं हो रहा है, जैसे कि अगर मैं अभी स्टार्ट करूं ना तो भाई फटाक से स्टार्ट हो जाएगा, इसी वजह से मैं रैंक पुश कर पा रहा हूं, लेकिन मेरे एक दोस्त का नहीं हो रहा था, ठीक है। और उसने क्या किया, अपने फ्री फायर का क्लियर डाटा कर दिया और उसका सारा डाटा उड़ गया, लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम उसको देखने को मिल रही थी, ठीक है। उसके बाद उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया और वो मेरे साथ रैंक पुश कर रहा था। अब कैसे सॉल्व हो गया वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन कुछ डाउट्स मैं आप लोगों को सबसे पहले क्लियर कर देता हूं। जैसे कि देखो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई उसका फ्री फायर चल रहा है लेकिन मेरा फ्री फायर नहीं चल रहा है, इसका मतलब मेरे फोन के अंदर प्रॉब्लम है या फिर मेरे आईडी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गया है, फ्री फायर वालों ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, फिर जो भी मतलब कुछ लोग सोच रहे हैं ऐसा, तो भैया देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्री फायर के 50 प्लेयर्स को ऐसा हो रहा है, 50% प्लेयर्स को हो रहा है, 50% प्लेयर्स को नहीं हो रहा है, तो कुछ लोग हो रहा है कुछ लोग को नहीं हो रहा है। इसमें आपकी आईडी का कोई भी गलती नहीं है या फिर आपके फोन की कोई भी गलती नहीं है। कुछ लोग लग रहा है कि भैया 2 GB का फोन है तो यार ऐसा ही हो रहा है, यार हमारा फोन मतलब चल नहीं पा रहा अच्छे से, इसी वजह से बैक हो जा रहा है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं यार, फोन का कोई गलती नहीं है, आप लोग फोन को क्यों दोष दे रहे हो। गाइस देखो अभी के टाइम पे मेरे पास 3 फोन है। सबसे पहला 4G है जो कि जिससे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और गाइस ये फोन मेरा 5G है और इसके अंदर भाई मैंने अपना फ्री फायर ओपन कर लिया, ठीक है। एक और मेरे पास फोन है, ये वाला, ये आईफोन है, दोनों 5G फोन ही है और गाइस इसके अंदर भी मैंने अपना फ्री फायर का मेन अकाउंट लॉग इन कर लिया, ठीक है। और गाइस इस आईडी के अंदर मतलब इस फोन के अंदर मेरे पास जियो का सिम है जिसका मैं पर्सनल डाटा यूज कर रहा हूं, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। मैंने अभी वाईफाई से कनेक्ट नहीं किया है इसको, गाइस देखो मैंने मोबाइल डाटा से ऑन किया है, ठीक है, वाईफाई कनेक्टेड नहीं है, और अभी मैं आप लोगों को मैच स्टार्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसमें भी गाइस देखो मैंने अपना पर्सनल डाटा ऑन किया है, आप लोग देख लो, इसमें एयरटेल का सिम लगा हुआ है, ठीक है। यहां पर देखो मैंने डाटा ऑन कर रखा है, इसमें एयरटेल का सिम लगा हुआ है। कुछ लोगों को यहां पर क्या प्रॉब्लम होती है कि भाई देखो एयरटेल के अंदर स्टार्ट हो रहा है जियो के अंदर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो अभी मैं आप लोगों को बी आर रैंकेड गेम स्टार्ट करके दिखाता हूं। ये मैंने स्टार्ट किया और ये देखो हमारा जो लोडिंग है यहां पर हो गया और ये देखो हमारा स्टार्ट भी हो गया, ठीक है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे और गाइस मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं, साउंड कम कर देते हैं, और गाइस ये देखो मेरा स्टार्ट हो गया, ठीक है। अगर आपका स्टार्ट नहीं होना रहेगा ना तो वो 99 लोडिंग पे ही वो खत्म हो जाएगा, आपका स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मेरा स्टार्ट हो गया मतलब इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं मोबाइल नेटवर्क से यूज कर रहा हूं, ये मेरा एयरटेल का सिम है, ठीक है। अभी देखो मेरे पास एक और फोन है जो कि 5G फोन है और इसके अंदर जियो का सिम लगा हुआ है, ठीक है। कुछ लोगों को जियो सिम के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहां पर गाइस मैं आप लोगों को मैच स्टार्ट करके दिखाता हूं। हालांकि इसके अंदर मैंने काफी मेहनत से हीरोइक लगाया था, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, रैंक माइनस होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाइस यहां पर देखो आप लोगों के सामने मैंने स्टार्ट किया एंड गाइस लोडिंग मुझे प्रॉब्लम इसके अंदर देखने को नहीं मिला। हमारा जो मैच है वो बहुत ही स्मूथली तरीके से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अभी गाइस मैं अपने मैच को बैक भी कर देता हूं, वैसे गाइस माइनस होगा तगड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन मैंने आप लोगों को दिखा दिया ना, यहां पर गाइस मैंने जियो सिम से भी स्टार्ट कर दिया और एयरटेल सिम से भी स्टार्ट कर दिया, आपके सामने मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत सारे बंदों को दिक्कत आ रही होगी जियो सिम के अंदर या फिर एयरटेल सिम के अंदर, तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो गाइस अभी आप लोग क्लियरली पता चल गया कि भाई मोबाइल डाटा से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लाइक अगर आप लोग एयरटेल से स्टार्ट करते हो या फिर जियो से स्टार्ट करते हो तो भाई आपका जो गेम है वो स्मूथली स्टार्ट हो जाएगा, आप लोगों को लोडिंग प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया। लेकिन अभी भी बहुत सारे बंदों को ये वाला लोडिंग प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो गाइस आप लोगों को जाना है सेटिंग के अंदर, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को सेटिंग के अंदर जाना है और गाइस आप लोगों को नीचे में देखने को मिलेगा नेटवर्क, ठीक है, तो इसको आप लोगों को ऑन कर देना। अगर आपका इसका ये ऑफ है ना तो आप लोग सबसे पहले इसको ऑन कर दो और उसके बाद गाइस आप लोगों को वाईफाई कनेक्ट करना होगा, ठीक है। अगर आप लोग मोबाइल डाटा से यूज कर रहे हो ना तो आप लोग वाईफाई कनेक्ट कर लो। आपके घर में बहुत सारे फोन तो हो गए ही, तो भाई किसी भी फोन का आप लोगों को हॉटस्पॉट ऑन करना है, लेकिन आप लोग ये ध्यान रखना कि वो जो मोबाइल है वो 5G होना चाहिए, ठीक है। अगर 4G होगा तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप लोग ट्राई करना 5G अगर फोन होगा तो उसका हॉटस्पॉट आप लोग ऑन करना और अपने फोन के अंदर कनेक्ट करना। उसके बाद गाइस आपका जो फ्री फायर गेम है वो इजीली स्मूथली रन करने वाला है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ये मेरा वाईफाई है जो कि मैंने अभी 4G ऑन किया है और गाइस वाईफाई से मैंने स्टार्ट किया है और गाइस मैं वाईफाई से ही ज्यादातर खेलता हूं तो मेरा कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है, तो आप लोग भी वाईफाई से ही करना।
ठीक है, वाईफाई से करोगे तो आप लोग को लोडिंग प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। और सेम यही प्रॉब्लम मेरे दोस्त को भी कल रात में हो रहा था, तो भाई उसने भी सेम ऐसा ही किया था, अपने फोन को 5G मोबाइल के हॉटस्पॉट के साथ अपने वाईफाई को कनेक्ट कर दिया, उसके बाद उसने आराम से अपने गेम को खेला, ठीक है, कोई भी उसको दिक्कत देखने को नहीं मिला। तो भाई आप लोग भी सेम ऐसे ही करना। अब कुछ लोग क्या है कि भाई उनके घर में कोई भी वाईफाई हॉटस्पॉट वगैरह नहीं है, तो भाई वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए, भाई हम कहां से वाईफाई लेकर आए। तो भाई आप लोग सबसे पहले एक काम करो, आपका जो सिम है ना, मतलब फोन का जो सिम होता है ना, उस सिम का स्लॉट चेंज करके देखो। अगर आपका स्लॉट 1 में सिम लगा हुआ है तो स्लॉट 2 में आप लोग उसको चेंज कर दो, और अगर आपके फोन में एक ही सिम स्लॉट है तो भाई आप लोग सिम को निकालो, दोबारा सिम को लगाओ, और गाइस वापस से आप लोग अपने फोन को ऑन करो, ठीक है, रीस्टार्ट करके करना, ठीक है, रीस्टार्ट कर लेना एक बार, उसके बाद दोबारा से आप लोग फ्री फायर ऑन करना अपने मोबाइल डाटा से। और गाइस मेरे पास एक और सॉल्यूशन है, अगर आप लोग को मोबाइल डाटा से ही खेलना है, अगर आपके घर में वाईफाई वगैरह नहीं है तो आप लोग मोबाइल डाटा से खेल सकते हो। आप लोगों को करना क्या है देखो, मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले गाइस अगर आप लोगों को जो भी खेलना है, मतलब बीआर या फिर सीएस जो भी खेलना है, आप लोग सबसे पहले मैच को स्टार्ट करो, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद जो स्टार्टिंग टाइम आता है वो तो होता ही है, उसके बाद जो आप लोगों के सामने लोडिंग स्क्रीन आता है, तो 99 होने से पहले, जैसे कि 99 के बाद ना आपका फेल होता है, तो 99 होने से पहले जब 20-30 होता है, लोडिंग होने लगता है, तो भाई उसी टाइम पे आप लोग अपने स्क्रीन ऑफ कर दो, ठीक है, स्क्रीन का लाइट ऑफ होता है ना, स्क्रीन का लाइट ऑफ कर दो, और जस्ट 5 सेकंड के अंदर या फिर 10 सेकंड में जो भी, उसके बाद आप लोग को स्क्रीन को ऑन करना है, ठीक है, स्क्रीन का लॉक ऑन कर लेना है, और गाइस आप लोग डायरेक्टली मैच के अंदर मिलोगे, ठीक है। तो ऐसे करना है आप लोग को, ये निंजा ट्रिक है जिससे गाइस आप लोग का मैच मेकिंग हो जाएगा और आप लोग को ऑटोमेटिक बैक नहीं होगा, ठीक है, ये बेस्ट ट्रिक है, आप लोग इसको भी यूज करना। बाकी अगर आप लोग को और कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बिंदास पूछ सकते हो, मैं आप लोग को रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।